ठीक है, ये कर दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे फेवरेट चिल्ड्रन बुक और टीवी और बॉस वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे एप्पल अपना जो फ्रूट है वो डाल देते हो, चाइल्ड बुक कुछ भी, मतलब कुछ भी बुक का नाम डाल दो, जैसे फ्रेंड्स जैसे कुछ भी डाल दो, मतलब इसमें ज्यादा कोई मतलब, लेकिन इनको याद करना पड़ेगा आपको, सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल रखे, मतलब इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो क्या पता है आपके बाद में भी जो है वर्क आए। तो यहाँ पे ठीक है, ये डाल दिया हमने, अब इसको अपन जो है यहाँ पे फिनिश कर देंगे इसको, बस तो आपको फिनिश कर देना है। तो जैसे ये फिनिश करते हैं अपन, और ये थोड़ा बहुत लोड होगा और उसके बाद खुलने चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो है टेर प्लान, न्यू वीडियो को, वीडियो बॉल वगैरह ये सब दे रखी है इस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो ये सारी चीजें आपको फिल कर देनी है, जैसे डिवाइस नेम, जो भी आपका डिवाइस नेम होगा वो यहाँ पे इसको जो इसकी जरूरत होगी, तो वहां पे आपको ये सारी जो इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी अच्छे से, तो आपका ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने अपना जो डिवाइस नेम है वो डाल देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस जो आपने इससे पहले देखा वो सब मैंने आपको जो इससे पहले वाली जो मैंने पार्ट वन डाला था, इसी जो GDM SSS को उसमें मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ये है इसका पार्ट 2, जो कि जिसमें मैं आपको इसमें फंक्शंस बताऊंगा और इसको स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, वो बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया उसके बाद की स्टेप मैं चालू कर रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं इसको, ये जो मेरा कैमरा है स्मार्ट PESS, उसमें जो मैंने चालू किया था उसको मैं चालू कर लेता हूँ। तो एक बार ये चालू हो जाए, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो गाइड जैसे ये चला उसके बाद देखो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे पहले लाइव व्यू आता है, जैसे आप लाइव देख सकते हो, यहाँ पे एक्सेस आता है, वीडियो वॉल, इवेंट अटेंडेंस वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसको देख लेना। यहाँ पे यूजर की अपनी आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है, इसको आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें इतने ही ऑप्शन है, तो यह बहुत है। तो अब इसमें मैं बताता हूँ, जैसे सबसे पहले लाइव व्यू बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो लाइव व्यू में आपको ये चालू हो जाएगा, जैसे ठीक है ये लाइव व्यू मैंने किया। अब ठीक है, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये डिफॉल्ट ग्रुप आएगा, जो भी आपने इसमें लॉगिन किया होगा वो चीज इसमें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे व्यू आएगा और न्यू ग्रुप को ऐड करना है, तो आपको जैसे नेम, उसका पासवर्ड वगैरह वो सब डाल के, जो कि SN नंबर होता है वो आपको उसमें मोबाइल पे मिल जाएगा, और आप वहाँ पे इसको इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। ये सारा आपका जूम इन जूम आउट है, इसको जब आप हम कैमरा चलाएंगे तब ये हो जाएगा, ठीक है, उसका भी करके बताऊंगा। ये वीडियो प्लेबैक है वीडियो, ठीक है, ये अपनी इसकी वीडियो की जो अपना वीडियो यहाँ पे चलेगा उसमें कितने साइज में चलेगा तो वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक व्यू करता हूँ यहाँ पे, देखो ठीक है, मेरे पास ये सारे कैमराज है, तो यहाँ पे मैं कैमरा 3 को लाता हूँ पहले। यहाँ पे सर्चिंग वीडियो जैसे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे ये कैमरा आ चुका है, ठीक है। ये ब्लैक स्क्रीन मैंने चला की हुई है ताकि आपको दिखे ना। मैं अभी दूसरा कैमरा करके पहले मैं इसमें फंक्शंस बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था PTZ से, तो जैसे ही आप जैसे इसको करोगे तो यहाँ पे ये कंट्रोल होता रहेगा इससे, ठीक है। तो ये कंट्रोल जो कि इससे होएगा, आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, जूम कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल में आप इसमें कितनी विंडोज चाहिए वो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 विंडोज है, यहाँ पे जो हमारी ये 9 विंडोज आ गई, यहाँ पे 16 विंडोज खुल गई, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उनको कैसे कैटेगराइज करना है वैसे। और यह अपना फुल स्क्रीन का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है इधर आप देख सकते हो, इधर ये जो प्लस का साइन है, तो इस पे क्या होता है, जैसे हम आपको इसको क्लिक करोगे तो जो एक और है वो लाइव व्यू सेकंड खुल जाएगा, ठीक है।
तो जैसे ही आप देखो इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे ये देखो दूसरा वाला खुल चुका है, ठीक है। लाइव व्यू जैसे न्यू वाले को अगर बंद करेंगे तो लाइव व्यू वही वाला आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है पर्सनलाइज वो आ गई, यहाँ पे लॉक स्क्रीन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अबाउट में स्विच यूजर वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स में आप अपने जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह करनी है वो यहाँ पे कर सकते हो, कि कैसा फेस रिकॉग्निशन है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें है, कि जैसे मैं आपको बताऊं रिप्ले टाइम 5 मिनट्स का, रिव्यू लास्ट के लिए, ठीक है, स्वाइवियस रूल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बैकअप, रिस्टोर, फेस रिकॉग्निशन, ये सारी, ठीक है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मिलेगी आपको ऑप्शन, तो इधर आप कर सकते हो। यहाँ पे जो कीबोर्ड्स की है वो यहाँ पे दिखी हुई है, कीबोर्ड की रिकॉर्ड प्ले रियल, तो ये सारी की आप यहाँ पे डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे रिकॉर्ड, अगर मैं और बताऊंगा भी, ये सारी चीजें आपको जब एक्सप्लेन हो जाएगी अभी जब इसको बताऊंगा, तो चलिए इसको करते हैं कैंसिल विदाउट सेविंग, ओके करके, और इसको, ठीक है, अपनी विंडो आ गई। अब मैं आपको यहाँ पे वो चला के बता देता हूँ, एक रिकॉर्डिंग जो भी चल रही है। तो गाइड जहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने कोई शॉप की वो चला दी है यहाँ पे, तो आप जैसे इसको इसको डबल टैप करोगे तो ये जो एक स्क्रीन में वो खुल जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। दोबारा डबल टैप करोगे तो यहाँ पे वो यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने दोबारा डबल टैप किया इसको, यहाँ पे क्रॉस करके दोबारा हम जैसे कैमरा वन है तो कैमरा वन करके यहाँ पे सर्चिंग वीडियो पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है। तो जैसे ही इसको जैसे आपको कुछ दिखा इसमें, तो आप रिकॉर्ड वीडियो करके आप उसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा है स्क्रीन कैप्चर का, तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जैसे वो है फोटो जो हमारी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये वॉल्यूम का ऑप्शन है कि आवाज भी आए जाए, वो वॉल्यूम का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका माइक है कि माइक का है, और यहाँ पे आप पहले की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, इंस्टेंट रिप्ले। तो जैसे मैं आपको इसमें बताऊँ, चला के बताऊँ तो ये बात है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है पहले वाली, ये पहले वाली चल रही है यहाँ की, जो पहले थी वो वाली चल रही है यहाँ की, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको आगे बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पीपीटी यहाँ पे आप जैसे देखो अभी इनेबल हो चुका है, तो इसमें आप जैसे ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपका जूम इन जूम आउट यहाँ पे कर सकते हो। जैसे जैसे इसको मैं आपको बताऊँ, ठीक है, देखो यहाँ पे जो जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे क्लोज वीडियो का ऑप्शन है, क्लोज ऑल वीडियो है, स्टार्ट ऑडियो, टॉक रिकॉर्डिंग, स्नैपशॉट, ट्रिपल स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ये सारी चीजें पढ़ के आप कर सकते हो इसको आसानी से, ठीक है। और जैसे अगर मैं जूम आउट करूँ तो आपकी जो स्क्रॉल स्क्रॉल होता है उसको आप जैसे घुमाओगे तो ये स्क्रॉल होने लग जाएगा, ताकि आप उसमें जूम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है जूम इन का, तो जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे, इसको चालू करके ऐसे करोगे तो यहाँ पे ये जो जूम है वो होने लग जाएगा। जैसे इधर देखो तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। तो इसको तो मैं इसको क्लोज वीडियो कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी ये बंद हो चुका है, और वो ये हमारे पास ये जो 4 टैब है वो चालू हो चुकी है। और अगर आपको इसमें डालना है कुछ, मतलब आपको जो नई वाली डालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने जैसा आपको बताया कि देख, और आपको दूसरे कैमरे सेट करने, तो वो आप इसमें डाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे यहाँ पे टाइम वगैरह भी चलता है, यहाँ पे सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए कैसे यूज करते हैं, जो यहाँ पे लाइव पे आता है, यहाँ पे भी आप अपनी चीजें सेट कर सकते हो, डिवाइसेस कैसे है, ये सारी यूजर क्या आप अपने देख सकते हो, आपको मोबाइल में तो चलाना आता ही होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 आपने टू देखा, तो अगर आपको ये अच्छे समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। जो पीसी में ही अच्छे से दिख जाता है, तो एकदम क्लियरिटी के साथ शो होता है, तो मैंने आपको उसमें भी बताया था।
पार्ट वन में भी आपको मैंने डाउनलोड करके बताया था, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।